लखनऊ के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया। और आपको बता दें, इस मेले में राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 550 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। और इस मौके पर सेवायोजन के सहायक निदेशक अरुण भारती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। यूपी सरकार का मंशा है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाए। इसी के तहत तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, उसको एक तरह से मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है, लाया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थी रोजगार से जुड़ सकें। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय लखनऊ में इस वक्त रोजगार मेला लगा है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 550 से अधिक छात्र इसमें भाग लेंगे। इस वक्त अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, 550 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, रोजगार के भी एक तरह से अवसर जो खोला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं चीजों से? ये हमारे निदेशालय के निर्देश पर, शासन की मंशा के अनुरूप रोजगार मेले तो हमारे यहाँ सदा से ही लगते रहे हैं, लेकिन इस बार हमें निर्देश मिले हैं कि साप्ताहिक आधार पर। अभी पिछले 19 तारीख को भी एक रोजगार मेला हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें 5 कंपनियों ने प्रतिभाग किया था और 152 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकें, इसलिए जल्दी और थोड़ा सा क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए एक नया निर्देश आया है कि प्री इंटरव्यू काउंसलिंग भी बच्चों की कराई जाए, जिसमें हमारी सेवा मित्र टीम जो निदेशालय की है, अधिकारियों के निर्देश पर वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। सीधे कंपनी के सामने जाने से पहले बच्चे को इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकते हैं, संभावित क्या क्या है, और थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए उनको ये प्रयास हम लोगों का चल रहा है, जैसा कि आपने देखा भी होगा बाहर। और ये निरंतर और उच्च स्तर पर इसको करने का प्रयास किया जाएगा। इसका आशय यही है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकें और जो हमारे कंपनी के प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको भी अच्छे बच्चे मिल सकें। सर, ये देखा गया है कि पिछले सत्र के मुकाबले ज़्यादा संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं जी, तो ये सर आने वाले समय में संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी रे साहब। और पिछला वर्ष तो चूँकि कोविड के कारण भी प्रभावित रहा, इस बार हम लोग एसएमएस तो पहले भी किया जाता था, लेकिन इस बार एसएमएस करने के साथ साथ टेलीफोन से भी बच्चों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, का साफ तौर से कहना है कि बड़े स्तर पर जो रोजगार के साधन खुले जा रहे हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी। कोविड के समय हमने देखा कि सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन उसके बाद जब कोविड के मामले कम हुए तो रोजगार के स्तर को खोलते ने साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लखनऊ सती संगम, जनता टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।